आज मैं आप लोग को एनसीईआरटी का क्लास 11th का चैप्टर जो नेम है आपका इसका है सीक्वेंस एंड सीरीज, और हिंदी में इसको बोलते हैं अनुक्रम एंड श्रेणी, यानी कि और श्रेणी होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज मैं लगवा रहा हूँ आपको 9.1 का। देखिएगा इसमें क्वेश्चन लिखा है जो स्क्रीन पर, उसको मैं सॉल्व कराऊँगा। तो इसमें देखिए आप क्वेश्चन पढ़े होंगे किताब में, तो लिखा है 1 से 6 तक के अनुक्रमों के में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका अनुमा पद दिया गया है। ठीक है, इसमें आप 9.1 पे जाइएगा और देखिए क्वेश्चन। तो हमने 6 क्वेश्चन लगवाया, उससे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो 5 तक लिखना है आपको सबके। तो देखिएगा मैं n बराबर ले रहा हूँ 5 तक, 1 2 3 4 5, 5 एक से लेकर 5 तक कह रहा है। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन लीजिए पहला, और इसका जो फॉर्मूला ये दिया हुआ है n पद ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए n के वाले 1 रखेंगे हम, तो लिखेंगे n बराबर 1। तो यहाँ होगा a1 बराबर यहाँ पे 1, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ रखना पड़ेगा आपको। तो कितना हो जाएगा ये 1, ये हो जाएगा 3, यानी 3 आंसर आया। a1 कितना आया, 3 आया आपका। अब देखिए n की वैल्यू हम रख रहे हैं 2, तो यहाँ a2 बराबर आएगा, जहाँ n है वहाँ 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 2 4, यानी 8 हो गया a2 आपका। ठीक, ऐसे देखिएगा हम लोग a3 निकाल लें, तो ये 3 3 प्लस 2, यानी होगा ये 3 इंटू 5, ये 15 होगा। ये 5 a4 निकालेंगे आप, तो 4 4 प्लस 2 हो जाएगा 4, ये 6 यानी कि 24, और ये 5 निकालेंगे तो आपको होगा 5 5 प्लस 2, ये हो जाएगा 5 इंटू 7, बराबर आपका होगा 35। ठीक है, ये आपका पूरा सीक्वेंस निकल चुका है। ठीक है, तो आप चाहे तो और भी निकाल सकते हैं। देखिए इसका लिखने का तरीका, आप लिखेंगे सीक्वेंस यानी अनुक्रम। तो क्या लिखेंगे, पहला आपका क्या आया है, पहले आपका 3 आया है, फिर 8 आया है, फिर आपका 15 आया है, फिर 24 आया है, और फिर आपका 35 आया है। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस हुआ यानी अनुक्रम हुआ। ठीक, ऐसे आप और भी क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, जो टफ है मैं वो लगवा दे रहा हूँ, जो आसान आप लगा लीजिएगा, मतलब सब में ऐसे ही करना है आपको। ठीक, सबके 5 पद निकाल रहे हैं, 5 टर्म्स। ठीक है, 5 टर्म्स फाइंड करने हैं आपको। देखिए दोस्तों, आप लोग जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों है, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज लिखता हूँ, तो आप लोग बुरा ना मानिएगा इस चीज़ को। अब देखिएगा इसमें टफ आपको लग रहा होगा, मेरे हिसाब से ये लग रहा होगा, और ये, और आप कहें तो ये भी हम लगवा दें। ठीक है, तो चलिए मैं दूसरा लगवा रहा हूँ, तीसरा कह रहे हैं, तीसरा लगवा रहे हैं। ठीक है, तीसरा नहीं पांचवा, तो पांचवा में क्या है, n बराबर, ठीक ये है। अब n के लिए कितनी रखनी है आपको, 1 रखिए यहाँ पे, 1 यहाँ पे -1, ये 1, ये 5 1 प्लस 1, ये हो जाएगा देखिए 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 पावर 2। तो ये किसी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, और ये हो जाएगा 25, तो ये आंसर आएगा आपका 25। ठीक, अब a2 देखिएगा, ये आप सॉल्व करें कितना आएगा, -1 आएगा, और ये आएगा 125, ये भी सॉल्व हो गया आपका। a2 कितना आया, -125। अब a3 निकाल लीजिए, तो a3 में क्या होगा, ठीक, तो कितना होगा, इसको सॉल्व करें तो 1 आएगा, इसको करें 625 आएगा, यानी 625 आ गया आपका। ठीक है, ये देखिएगा 625 आ गया। ऐसे आप चाहे तो और भी निकाल सकते हैं, तो आप फाइंड कर लीजिएगा, हमने 3 निकाल दिया, 3 अब 2 और फाइंड कर लीजिएगा। ऐसे देखिएगा, और जो आपको दिक्कत आ रही होगी मेरे हिसाब से हमने लगा दिया। ठीक, तो हम चौथा भी देखा लगा दे रहे हैं आपको, देखिएगा 2n-3/6, 10 के लिए 1 से स्टार्ट करिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा इसमें आएगा 2-3/6, तो ये सॉल्व करें -1, ये 6 आएगा। ठीक, अब n के लिए कितने स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करिए,
तो आ जाएगा ए टू बराबर टू एन इंटू टू माइनस थ्री अपॉन सिक्स, सॉल्व करेंगे तो आएगा फोर माइनस थ्री अपॉन सिक्स, यानी करेंगे सॉल्व तो आएगा आपका वन अपॉन सिक्स। अब थ्री ले लीजिए तो टू इंटू थ्री माइनस थ्री अपॉन सिक्स, सॉल्व करेंगे तो छः माइनस थ्री अपॉन सिक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा थ्री अपॉन सिक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा दो, यानी कि वन बाई टू। ठीक, अब ए फोर निकाल लीजिए आप तो टू इंटू फोर माइनस थ्री अपॉन सिक्स, सॉल्व करेंगे तो आएगा आठ, आठ में से तीन जो पाँच ही सिक्स, ये आपका आ गया। ये फाइव निकालना चाह रहे हैं तो देखिएगा बहुत आसान है दोस्तों, ये चाहे बहुत कोई भी ला सकता है। देखिएगा अब मैं ए फाइव निकाल के दिखा दूँ आपको, तो वो ए फाइव जो आपका टू इंटू फाइव माइनस थ्री अपॉन सिक्स, ये दस माइनस थ्री अपॉन सिक्स, इसको सॉल्व करें सेवन अपॉन सिक्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब आपको दिक्कत था इसमें, इसमें लगा देना। देखिएगा ये चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज बहुत आसान है, देखिएगा इसको एन के लिए वन लीजिए आप। ओके, तो ये वन हो गया और ये हो गया वन का स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन फोर, सॉल्व करेंगे तो वन इंटू वन प्लस फाइव अपॉन सॉरी फोर है, तो ये वन इंटू सिक्स अपॉन फोर, तो ये टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, यानी थ्री बाई टू। ठीक, ये वन पे चेक किया मैंने। ठीक है, आप टू का चेक करेंगे तो आप ए टू लिखेंगे, तो टू इंटू टू का स्क्वायर प्लस पाँच अपॉन फोर। ठीक, देखिएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, टू इंटू ये हो जाएगा फोर प्लस नाइन, नाइन हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ये हो जाएगा टू, यानी कि नाइन बाई टू। ठीक है, अब ऐसे ही आप निकाल लीजिएगा थ्री, एन के लिए थ्री रखिएगा, तो ए थ्री आएगा कितना आएगा, थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन फोर, यानी थ्री इंटू ये नाइन प्लस ये फाइव फोर्टीन, ये हो जाएगा फोर, दो से काटेंगे सात हो जाएगा, ये हो जाएगा दो, यानी कि सात इक्कीस होगा, ये दो होगा, ये थ्री भी आपका आ गया। ये फोर निकालना तो लिखेंगे फोर इंटू फोर का स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन फोर, ये फोर से फोर कट गया तो ये होगा सिक्सटीन प्लस फाइव बराबर इक्कीस हो गया। ठीक, तो ये फोर आपने निकाल दिया, अब ए फाइव निकाल लीजिए आप, तो इनके लिए कितने लिखेंगे, ए फाइव तो फाइव इंटू फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन फोर, इसको सॉल्व करें तो फाइव इंटू ये हो जाएगा पच्चीस प्लस पाँच फोर, तो ये हो जाएगा फाइव तीस अपॉन टू और फोर, तो इसको काटेंगे तो ये पंद्रह आएगा, ये आपका आएगा दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पचहत्तर अपॉन टू, ये आपका सीक्वेंस रहा। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा सीरियल वाइज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।